तो बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं आगरा के ताजगंज इलाके से, जहां पर नारी संरक्षण गृह में युवतियों के साथ यौन शोषण, मारपीट और का मामला सामने आया। दरअसल पंचशील गृह में रह रही युवतियों का आरोप है कि पंचशील गृह के संचालक और उनके तीनों बेटे आए दिन उनके साथ बदसलूकी करते थे। आश्रम परिसर में शराब की महफिलें जमती थी जिसमें बाहरी लोग भी शामिल होते थे। विरोध करने पर युवतियों के साथ रेप और मारा पीटा भी जाता था। युवतियों का ये भी आरोप है कि आश्रम में ही लड़कियों का अश्लील वीडियो तक बनाया जाता था। साथ ही युवतियों का आरोप है कि यहाँ रहने वाले कई बच्चे भी गायब हुए हैं जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। अब तक कोई सुराग नहीं लगा, तमाम आरोप लगाए हैं युवतियों ने। युवतियों को शिफ्ट भी कर दिया गया है, सील कर दिया गया है इस पूरे गृह को और आगे आगे जांच जारी है। आंखों में लाचारी और गुस्सा, शरीर पर चोट के निशान, तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इन युवतियों के साथ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। ताज नगरी आगरा भले ही अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हो, लेकिन यहाँ के पंचशील गृह में युवतियों के साथ जो भी चल रहा था उसने एक बार फिर आगरा की खूबसूरती पर बदनुमा दाग लगा दिया है। दरअसल आगरा के ताजगंज इलाके में स्थित नारी संरक्षण गृह में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहाँ के पंचशील गृह में रहने वाली युवतियों का आरोप है कि उनके साथ रेप, शोषण और मारपीट की जाती है। इन बेसहारा युवतियों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है और बीमार पड़ने पर इलाज तो दूर, इन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता है। रूम के अंदर एक और रूम है, उस रूम में बंद करके लॉक लगा देते हैं इन लोगों, लॉक लगा के फिर सुबह आके खोलते हैं 8-9 बजे। अच्छा। तो बच्चे दरवाजे खटखटाते रहे, कोई भी दरवाजे खोलते नहीं थे। मरो चेक करो, कुछ भी करो, आपस में करो, उससे कोई मतलब नहीं है। मारपीट करते थे, दारू पी के आते थे और ऐसे करते थे। अब घर परिवार में झगड़ा होती तो हम मुझे मारते थे। युवतियों पर जुर्म की ये कहानी एक या दो दिन की नहीं है बल्कि हर रोज की है। पीड़ित युवतियों का आरोप है कि पंचशील गृह के संचालक और उनके तीनों बेटे आए दिन उनके साथ बदसलूकी करते थे। आश्रम परिसर में शराब की महफिलें जमती थी जिसमें बाहरी लोग भी शामिल होते थे। विरोध करने पर युवतियों के साथ बदसलूकी होती थी और उन्हें मारा पीटा जाता था। हद तो ये है कि आश्रम में ही लड़कियों का अश्लील वीडियो तक बनाया जाता था। युवतियों का आरोप है कि यहाँ रह रहे कई बच्चे भी गायब हुए हैं। और एक लाली नाम की महिला थी, उनके साथ 3 बार रेप हो चुका है। जैसे हम लोग नहा रहे हैं ऐसा और हम लोग जा रहे हैं, ये ऐसे बहुत गंदी गंदी वीडियो बनाते थे मतलब वही समझ लो। आगरा प्रशासन भले ही इस मामले में कार्रवाई कर पंचशील गृह को सीज करने की बात कर रहा हो, लेकिन पंचशील गृह का संचालक अभी भी फरार है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पंचशील गृह के संचालक डीडी मथुरिया राज्यपाल और महिला आयोग की कमेटी का मनोनीत सदस्य भी है। शिकायतों के आधार पर श्री मजिस्ट्रेट श्रीमती रेखा चौहान मैडम द्वारा जांच की गई थी, जिसमें तमाम खामियां नजर आईं, कुछ आपराधिक कृत्य नजर आए, जिसमें एक बालिका की संदिग्ध मृत्यु और एक मूकबधिर महिला के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई। बालिकाओं को खाना न देना, उनके साथ मारपीट करना, ये सब सारे तथ्य सामने आए हुए हैं, जिसके अनुकरण में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उस संस्था को बंद करा दिया गया, उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया और संबंधित जो संचालक मंडल है उसके खिलाफ ताजगंज थाने में FIR दर्ज करा दी गई। आगरा के नारी संरक्षण गृह में जो भी चल रहा था उसने आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिरकार युवतियों की शिकायत पर प्रशासन पहले हरकत में क्यों नहीं आया। सवाल ये कि ऐसे नारी संरक्षण गृह की निगरानी के लिए कोई ठोस प्रबंध क्यों नहीं किए गए। सवाल ये भी कि बच्चों और युवतियों के गायब होने पर पंचशील गृह आश्रम का पूरा प्रबंधन क्यों चुप। आगरा से विवेक पाठक, इंडिया 24/7। और विवेक हमारे संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए। विवेक, फिलहाल क्या अपडेट है, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में? देखिए दीपाली, इस पूरे मामले में फिलहाल जो है, जो पहले ही जो है पंची के जो संचालक है डीडी मथुरिया, उनके खिलाफ मुकदमा जो है थाना ताजगंज में दर्ज करा लिया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह कि उनके अलावा 2 और अन्य लोग हैं जिनको इस पूरे मामले में इनको संदिग्ध देखा गया और प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ भी कुल 3 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
अभी जहां तक गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं तो लोग आगरा पुलिस की तरफ से तीन टीमें गठित की गई हैं जो कि इस संचालक को जो गिरफ्तारी के लिए तमाम जगह पर जाकर दबिशें दे रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब ऐसी स्थितियां संरक्षण गृह और संवासियों के साथ जहां वो नारी निकेतन में रह रही है तो आखिरकार प्रशासन की क्या मॉनिटरिंग रहती है वहां पर, क्योंकि ये मामला केवल एक या दो दिन का नहीं है, ये कई दिनों से कई जो है कह सकते कई महीनों से साल भर से ये प्रताड़नाएं चल रही थी। तो आखिरकार प्रशासन की नजर में ये मामला क्यों नहीं आया जब मुखबिर जो महिला जिसके साथ बलात्कार किया गया वहां पर पहले ये मामला आया नहीं, या फिर प्रशासन को क्या इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी हो भी गई तो पहले से ही एक्शन में क्यों नहीं आया प्रशासन? बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से जो 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 राज्य महिला आयोग है जो उनके जो जूही सिंह है उन्होंने भी जिस तरह से बात की है, उन्होंने भी कहा कि इस जो पंचशील में जो जिस तरह की गतिविधियां चल रही थी वो संदिग्ध देखी जा रही है। कई बार इसकी शिकायत भी जो है प्रशासन तक पहुंचाई गई, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जितनी गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए था शायद उस पर कोई लहतलाली जो है कहीं ना कहीं से सामने निकल के आती है। और अभी जो स्थितियां बनी है वो शायद यही है, क्योंकि अगर पहले ही इस तरह अगर इनके साथ अगर कोई कार्रवाई की जा सकती थी, अगर कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती तो शायद हो सकता है कि कई मासूमों की जिंदगी जो आज गायब है इनके साथ बलात्कार किया गया और कई लोगों के साथ मारपिटाई करके जो उनको प्रताड़ना दी गई शायद उनके साथ ना होता। जी जी, शुक्रिया विवेक की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।